सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो हमारी बजाज की पल्सर 150 जो बाइक आती है उसके ब्रॉड साइज टायर के बारे में, यानी कि चौड़े टायर के बारे में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टायर है जो हमारी बजाज की पल्सर 150 जो बाइक आती है उसके लिए बेस्ट टायर है, और मैं आपको बजाज की पल्सर 180 और 220 जो बाइक आती है तो उसका टायर डालूंगा 150 बाइक में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टायर है। देखिए गाइस, ये दो टायर आते हैं जो हमारी बजाज की पल्सर 180 और 220 जो बाइक आती है उसका रियर टायर होते हैं, यानी कि पीछे वाले टायर हैं। और मैं आपको बजाज पल्सर 150 में इस टायर को टायर चेंजर मशीन से फिट करके भी दिखाऊंगा, और ट्यूबलेस टायर टायर चेंजर मशीन से ही फिट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रिम होता है उस पर स्क्रेच वगैरह भी नहीं आती है और फिटमेंट भी प्रॉपर आ जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन टायरों के बारे में, क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं इसमें देखने के लिए, और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे इस टायर से। तो सभी जानकारी मैं आपको इन टायरों के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए गाइस, ये MRF का टायर होता है। अगर इसके मॉडल की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ इसका जो मॉडल होता है। तो ये देखिए गाइस, ये मोग्रिप मेट्योर के नाम से टायर आता है। गाइस, मेट्योर जो टायर होता है अच्छा टायर होता है, ऑफ रोड टायर होता है। अगर दूसरे टायर की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो गाइस, ये भी MRF का टायर होता है और इसका मॉडल होता है नाइलो ग्रिप जैपर सी, यानी कि जैपर जो टायर होता है इसकी जो घिसाई होती है बहुत ही कम होती है, यानी कि सर्विस में अच्छा होता है ये जैपर सी। तो MRF मेट्योर M जो टायर होता है ये भी अच्छा होता है सर्विस में, ये ज़्यादातर ऑफ रोड टायर होता है कच्चे पक्के रोड के लिए। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ इसका जो साइज़ होता है, तो ये देखिए गाइस 120/80/17 इसका साइज़ होता है, जो कि हमारी बजाज की पल्सर 180 और 220 जो बाइक आती है उसका टायर का साइज़ होता है। और इसी टायर को मैं बजाज की पल्सर 150 बाइक में डाल के दिखाऊँगा। और ये 61 पी रीडिंग के टायर होते हैं गाइस। पी जो होती है हमारी हाई स्पीड रीडिंग होती है, यानी कि 150 की स्पीड रीडिंग होती है, और 61 जो होती है हमारी लोडिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है 257 kgs होती है। और दोनों ही 61 पी रीडिंग के टायर होते हैं, यानी कि दोनों की स्पीड रीडिंग और लोडिंग कैपेसिटी दोनों की सेम है। तो दोनों टायरों में से कोई भी टायर यूज कर सकते हो। ये कच्चे पक्के रोड के लिए होता है और एक नॉर्मल रोड के लिए होता है। एंड गाइस, अगर इसकी गारंटी की बात करें तो दोनों की 6 साल की गारंटी होती है, जैसे कि फूल जाए या क्रैक हो जाता है तो उसकी गारंटी में आता है ये टायर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की गारंटी होती है, फूलने और चटकने की गारंटी होती है इन टायरों की। तो आप इन दोनों टायरों में से कोई भी टायर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑफ रोड टायर होता है और एक नॉर्मल टायर होता है, तो दोनों ही टायर बेस्ट हैं। तो आप इन दोनों टायरों में से कोई भी टायर यूज कर सकते हो। एंड गाइस, अगर इसके किलोमीटर सर्विस की बात करें तो ये मेटोरैम जो टायर होता है, यानी कि ये वाला जो मेटोरैम है मोटी गुड्डी वाला टायर, ये 40,000 किलोमीटर आपको सर्विस देगा। एंड गाइस, MRF जयपर सी जो टायर होता है ये हमारा 42,000 किलोमीटर के लगभग चल जाएगा, यानी कि इसकी जो घिसाई होती है बहुत ही कम होती है, यानी कि सर्विस में अच्छा होता है ये टायर। तो दोनों ही टायर बेस्ट हैं, दोनों टायरों में से कोई भी टायर यूज कर सकते हो। लार्ग लैंड एरिया एंड एक्सीलेंट शोल्डर और स्पेशल कंपाउंड वाला ये टायर होता है, तो दोनों ही टायर बेस्ट हैं। और सुपियर ग्रिप एंड ट्रैक्शन, यानी कि इसकी जो ग्रिप है वो भी अच्छी है इस टायर की। और मेट्योर एम जो टायर होता है ये ऑफ रोड टायर होता है, यानी कच्चे पक्के रोड के लिए अच्छा होता है और पहाड़ों के लिए। तो आप इन दोनों टायरों में से कोई भी टायर यूज कर सकते हो, और गुड स्टेबिलिटी है, यानी कि इन दोनों टायरों की जो स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी है, और बेटर ग्रिप है, यानी कि दोनों की टायरों की ग्रिप भी अच्छी है, यानी कि माइलेज भी अच्छे मिलेंगे इन टायरों से। और ये दोनों टायर बजाज पल्सर 180 और 220 के टायर होते हैं, और मैं आपको बजाज पल्सर 150 में इनमें से एक टायर को फिट करके दिखाऊंगा टायर चेंजर मशीन से, और ट्यूबलेस टायर टायर चेंजर मशीन से ही फिट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रिम होता है उस पर स्क्रेच वगैरह भी नहीं आती है और फिटमेंट भी प्रॉपर आ जाती है। तो चलिए, कस्टमर ने जयपर सी को चॉइस कराया, यानी कि जयपर वाला जो टायर है, तो मैं आपको इस टायर को टायर चेंजर मशीन से फिट करके दिखाऊँगा, जो हमारी बजाज की पल्सर 150 जो बाइक आती है तो उसमें फिट करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको टायर चेंजर मशीन से फिट करके। कर
तो गाइस वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट है, तो मैं आपको उस टायर की वीडियो बनाकर डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगा कि कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा टायर बेस्ट है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।